अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग क्वीन। आज मैं शाही टुकड़ा बनाने जा रही हूँ। ब्रेड को इस शेप में काट लें और इसे हम घी या रिफाइंड में फ्राई कर सकते हैं। मैं रिफाइंड में फ्राई करने जा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से गरम कर लें। ब्रेड को एक एक करके फ्राई कर लेंगे, इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सभी ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में पानी डाल लेंगे और इसमें चीनी डालकर इसका चाशनी थोड़ा बना लेंगे। इसमें केसर डाल देंगे, केसर नहीं है तो कलरफुल कलर भी डाल सकते हैं। चाशनी बनकर तैयार हो गई, बस इतना ही पतला रहेगा। इसको उतार लेंगे और दूध को उबाल। मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर घर में जमा हुआ मलाई है तो उसको भी डाल सकते हैं। मैंने घर में मलाई जमाया है, ये 2 दिन का है, तो इसको मैं पूरा डाल दूँगी। दूध में भी चीनी डाल देंगे। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि पानी में भी हम लोगों ने चीनी डाला है। अब ये जो चाशनी हम लोग तैयार किए हैं, उसमें एक एक करके ये ब्रेड का टुकड़ा को डिप करेंगे और यहाँ रखते जाएंगे। थोड़ा देर के लिए छोड़ भी देंगे। इलायची पाउडर डालेंगे और इसे गाढ़ा होने तक। देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब बस यही कंटेस्ट इसी तरह का रहेगा। अब इसको ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, इसको लेकर ब्रेड के ऊपर करके डाल देंगे। अब इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट काजू से डेकोरेट कर देंगे। काजू भी छिड़क देंगे। हमारा यमी सा शाही टुकड़ा बनकर तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं, इसे आप फ्रीज में भी रख सकते हैं। 1 घंटा ठंडा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।